jungle. स्वागत है आपका एमआर न्यूज टीवी में। धागे की दुकान में लगी आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश मऊ के थाना कोतवाली अंतर्गत सदर चौक स्थित लुंगी गली में एक धागे की दुकान से उठता धुआं देख लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली अंतर्गत सदर चौक स्थित लुंगी गली में रियाज अहमद के धागे की दुकान थी, जो लॉकडाउन के कारण बंद चल रही थी। आज दोपहर अचानक दुकान से धुआं उठता देख लोग मौके पर पहुंचे और दुकान से उठ रही आग की लपटों को देखकर उसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पा लिया। जी, क्या नाम है आपका? जी, आपके दुकान में आग लगी है, क्या आइडिया, कैसे आग लगी, कुछ पता है आपको? लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? तो हम कागज पत्र देखेंगे तब तो मालूम होगा। फिर भी कुछ आइडिया? अच्छा, ये कितने बजे का मामला है? ये मामला हमको फोन के जरिए यहाँ राजीव ने जो है बताया है कि जी जा रहा था जी, ढाई बजे। आपके अगल बगल भी किसी की दुकान में आग लगी या फिर कोई नुकसान हुआ? ये कहाँ की बात है? ये कितनी साल पुरानी दुकान है आपकी? ठीक है। ये चेयरमैन साहब, क्या मामला है यहाँ? ये लुंगी गली है और यहाँ का जो साड़ियों का कारोबार होता है उसका ये मेन सेंटर कहा जाएगा, एक्सप्रेस ये है जी। और यहाँ जेमनी ट्रेडर्स के नाम से धागे की एक दुकान थी, उसके मालिक हाजी रियाज साहब है मुलाजिमपुरा के, और उसमें आग लग गई। मोहल्ले के लोगों ने ही उस आग को बुझाया और अभी अभी फायर के लोग भी आ गए हैं, लेकिन वो लोग आग बुझने के बाद आए हैं। ये उस दुकान में तो कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है, लेकिन एक बड़ी घटना ये होने से मोहल्ले के लोगों की कोशिश से ये फायदा हुआ है कि अगल बगल की दुकानों में उस आग का असर नहीं गया। हालांकि आग का असर बाहर तक आया था, मगर दूसरी दुकानों में आग पकड़ी नहीं थी, इससे पहले भी मोहल्ले के लोगों ने उस आग को बुझा दिया। कुछ पता चला जाते उस दुकान में पूरी तरीके से वो दुकान पूरी जलकर भस्म हो गई। तो कुछ पता चला आग कैसे लगी? अब आग तो दुकान बंद थी और आग लाइट मेरे ख्याल से ऑन रही होगी, मेन स्विच को ऑफ नहीं किया होगा और स्पार्किंग हुई होगी, जो भी वजह रही हो, लेकिन स्पार्किंग ही मेन वजह होगी मेरे ख्याल से। क्या वजह और कोई वजह है? वजह यही हुई हो सकती है मेरे ख्याल से, तो उसके बाद पता चलेगा कि सही कारण क्या है, लेकिन मेरा ज्यादा तौर से अंदाजा ये है कि स्पार्किंग दुकान में हुई होगी और स्पार्किंग की वजह से धागा चूंकि पेट्रोकेमिकल होता है उसमें आग जो पकड़ी तो बुझा नहीं, लाखों रुपए का उसमें नुकसान हो गया। ठीक है जी, क्या मामला है सर? ये सदर चौक लुंगी गली ये पड़ती है जी, यहाँ से लेके श्याम मार्केट तक बहुत ज्यादा दुकानें हैं। अभी हम लोग को सूचना मिली है, इसी गली में मेरी भी दुकान है, और सूचना मिली कि रियाज अहमद जिमनी वाले के आगे की जो दुकान थी, मेटेरियल की जो दुकान थी, उसमें आग लगी। आग कैसे लगी कुछ पता चला? आग का तो कोई है नहीं है, मगर समय से प्रशासन के लोग और फायर विभाग वाले पहुंच गए हैं, उससे कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद जांच पड़ताल होगी। लगभग कितने का नुकसान होगा, कुछ आइडिया? ये दुकानदार जो उनकी दुकान है वो आए हुए हैं, उनसे मालूम होगा जी। अगर हमारे देखने में मटेरियल चूंकि साड़ी में लगता है, सबसे लास्ट मटेरियल का ही मेन होता है जी, उनकी दुकानें तो लमसम हमेशा ठीक ठाक रहता था, थोक सर व्यापारी भी माल तो हमेशा भरा रहता था, तो वही बता पाएंगे। तो ये आग क्या लगता है आपको, किस तरह से आग लगी होगी, शॉर्ट सर्किट के या फिर सारी मार्केट बंद है? शॉर्ट सर्किट ही हो सकती है जी। तो अभी दुकान के मालिक आ गए? अभी तार तो ये बताएं कि बिजली विभाग वाले लंबा तार केबिल तो गई है, इसमें कई बार कहा भी गया है कि साफ सफाई हो जाए। तो मौके पे अभी दुकान मालिक मौजूद हैं? हाँ, मौके पर आ गए, उन्होंने यहाँ का ताला वाला तोड़ा गया, मौके पर आ गए, उनसे ले सकते हैं। ठीक।